हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मंजू और आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास में एक छोटा सा बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस पे टोनर अप्लाई करूँगी और हल्के हाथ से उसको थोड़ा सा मसाज कर लूँगी और फिर उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैं बायोटिक का ये सीरम अप्लाई कर रही हूँ और ये सीरम काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी स्किन पे सूट करता है तो आप एक बार इसे ट्राई करके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लाइट वेट सीरम है ये और अच्छे से पूरे फेस पे मैं मसाज कर लूँगी। इससे मैंने मेरी आईब्रोज़ को फिल कर लिया था और आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैंने आई शेडो पैलेट में से ब्लैक और ब्राउन शेड को मिलाकर उसको अच्छे से फिल कर लिया था। इसके बाद मैं कंसीलर और अपने आईब्रोज़ की जो एजेस है उसको क्लीन करने के लिए मैंने ओलिवे के पेन स्टिक ली है और इसमें जो मेरा शेड है वो है 05 और अच्छे से मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। और ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है ये मैंने जस्ट लोकल स्टोर से परचेज़ किया था बट काफ़ी अच्छा निकला है और इसको मैंने वाटर में भिगोने के बाद डैम कर लिया है। इसके बाद मैं इसको सेट करने के लिए ब्लू हेवन का ये लूज पाउडर लेकर अच्छे से मैं सेट कर लूँगी अपने कंसीलर को। फिर मैं यू कैन बी का फ्रूट पाई पैलेट ले रही हूँ और इसमें से जो ये पर्पल का टाइप का जो शेड है पिंक पर्पल, इसको मैं अपने आउटर वीपर और साथ के साथ अपनी क्रीज लाइन पर ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं सेम कलर से ही अपने आउटर वी को थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ और फिर मैं ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूँगी। इसके लिए मैंने लाइट पिंक कलर लिया है और अब मैं ऊपर अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं कट क्रीज करूँगी और कट क्रीज के लिए मैंने ओलिवे के पेन स्टिक ली है। यहाँ पे मैं हाफ कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। और इसको मैंने सेट नहीं किया था। इसके बाद मैंने इसमें जो मैंगो येलो कलर होता है वो वाला कलर लेकर मैं अपने इनर कॉर्नर पर और इनर थर्ड कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। सेंटर में भी मैं अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं ऑरेंज कलर लेकर और जो पिंक कलर है और जो येलो कलर है दोनों को कंबाइंड करने के लिए मैंने ऑरेंज कलर लिया है और अच्छे से उसको मिक्स कर दूँगी ताकि अलग अलग कलर ना लगे कि येलो अलग है ऑरेंज अलग। इसके बाद मैं ये ब्राउन शेड लेकर अपने आउटर को थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा लाइट है इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको डार्क कर लिया है। फिर मैंने जहाँ पे कट क्रीज ड्रॉ की थी ठीक वहीं पे मैं सिल्वर ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ और ये स्विस ब्यूटी का ग्लिटर है। इसको मैं पतले से ब्रश में लेकर मैं अप्लाई कर रही हूँ और इसे लगाने से पूरा ही आई मेकअप का लुक जो था वो पूरा चेंज हो गया है। मैंने फॉल्सेस भी अप्लाई किए हैं, ऑफ कैमरा मैंने फॉल्सेस अप्लाई की थी। और प्राइमर के लिए मैंने इनसाइड का प्राइमर लिया है। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, काफ़ी बजट फ्रेंडली प्राइमर है, आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद फाउंडेशन के लिए मैंने ओलिविया का फाउंडेशन लिया है और इसमें जो मेरी शेड है वो है 02 और डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई करना है। और इस फाउंडेशन की कवरेज काफ़ी अच्छी है बट यस ये मेरी स्किन के लिए थोड़ा सा लाइट है बट इसमें उतना शेड रेंज नहीं है तो मैंने इसी से ही कॉन्टोरिंग ब्रॉन्जिंग करके मैंने इसी से ही काम चला लिया है। अच्छे से ब्लेंड अगर आप कर लेते हैं तो उतना ज़्यादा लाइट नहीं लगता है आपकी स्किन पर फाउंडेशन। देन कंसीलर के लिए मैंने ओलिवे की पेन स्टिक ली है और उसको मैंने जहाँ जहाँ अपने हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया है और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी फिर मैं स्पंज की हेल्प से। और कंसीलर को सेट करने के लिए सेम ब्लू हेवन का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैं। फिर शिवाना का कलर ब्रॉन्जर लेकर मैं ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे ब्रॉन्जिंग की ज़रूरत है वहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। मैंने कोई भी क्रीम कॉन्टोर नहीं किया है, सिर्फ ब्रॉन्जिंग से मेरा काम चल जा रहा है तो क्रीम कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं है। देन मैं वाइट कलर का काजल अप्लाई करूँगी। वैसे ये वाइट नहीं है, ये सिल्वर टाइप का कलर है, इसमें हल्का सा शीन है और ये NYB का है, काफ़ी अच्छा है वैसे ये काजल। कभी कभी मैं इस काजल को एज ए हाइलाइटर भी अप्लाई कर लेती हूँ। फिर जो जो कलर मैंने अपने आईज़ के ऊपर लगाए थे सेम उन्हीं कलर्स को मैं अपने आईज़ के नीचे अप्लाई करूँगी और फिर जो एक्स्ट्रा पाउडर उसको रिमूव कर लूँगी। देन मैं ब्लश अप्लाई करूँगी और ब्लश के लिए मैंने एसेंस का ब्लश लिया है और ये ब्लश बहुत अच्छा ब्लश है।
ये वन ऑफ माय फेवरेट ब्लश है। देन मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी और जितने भी प्रोडक्ट्स के नाम और नंबर हैं जो भी हैं मैं सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और वैसे ये पर्पल का लिप क्रियोन है, शेड बहुत अच्छी है, शेड मी टू माई गैंग 07 आई गेस यही शेड है, बाकी मैं आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। देन मेकअप फिक्सर अप्लाई करूँगी और अभी मेरे फेस थोड़ा सा गीला है तो साथ ही साथ ही मैं हाईलाइटर भी अप्लाई कर रही हूँ। ऐसे हाईलाइटर अप्लाई करने से काफ़ी अच्छा एक ग्लो मिलता है। मैंने मस्कारा अप्लाई करना मैं भूल गई थी पहले, तो लास्ट में मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। ऐसे मेकअप का कोई रूल नहीं होता है, आप जब भी आपको जो भी लगे कम है ज़्यादा है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं दोबारा से। मैं भी कभी कभी मस्कारा लगाना भूल जाती हूँ तो मैं मस्कारा बाद में लगा लेती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।